हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो ग्रीन कलर की साड़ी थी मैंने सावन में इसलिए पहनी थी क्योंकि ग्रीन कलर साड़ी सबसे ज़्यादा इसका जो है सब मतलब कि शुभ मानते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि पार्वती मैया की जो ग्रीन कलर की साड़ी है, ये हरा भरा चूड़ी मतलब पूरा सिंगार ग्रीन ग्रीन मतलब उसी को कहते हैं कि हरा भरा पूरा 16 श्रृंगार उसका होता है। तो इसलिए ना सभी औरतें सब चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में इसी तरह हरे भरे बहार जो है चलते रहे हमेशा, और जीवन में कभी भी कोई भी दुख परेशानी तकलीफें ना आए। तो ये मैंने ना साड़ी में जो फ़ोटो शूट कराया था ना फ्रेंड, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने फ़ोटो जो शूट कराया था उसका रीज़न ये था कि मैंने कुछ फ़ोटो ना इसमें शेयर करना था, वीडियो के जैसे बना देना था, इसको डाल देना था, मेमोरी ना पड़ी रहेगी, बहुत अच्छा रहेगी मुझे। तो फ्रेंड, येलो कलर की साड़ी जो थी ये ना बहुत ही प्यारी साड़ी थी, और ये साड़ी जो आप देख रहे हैं ये भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो बर्थडे के दिन ना स्पेशली मैंने ना ये वीडियो शेयर किया आप लोग के साथ, क्योंकि बर्थडे के दिन मैं यही पहनी थी फ्रेंड। आई होप वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करके ज़रूर बताना। तो यहाँ खुलने बाल मैं इसलिए रखी थी क्योंकि थोड़ा सा मतलब होता नहीं है कि चलो आज थोड़ा सा अलग करते हैं, तो वहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा बाल खुला कर लिया था। सेकंड आ जाता है फिर मैंने जूड़े में आ गई। क्यों जूड़े में आ गई, उसका रीज़न ये था कि मैं जूड़े में ही थी, पर मेरी मतलब भाभी में जेठानी कह रही थी कि बाल खुला करो खुला करो खुला करो, तो इसकी वजह से ना मैं जाके बाल को खुला की, और ये फ़ोटो थोड़े थोड़े जो है मैंने ना इनको एडिट किया। तो बर्थडे के एक दिन पहले की ये फ़ोटो है फ्रेंड, और देख सकते हैं वहाँ पर मैंने फ़ोटो खिंचाई थी स्पेशली बर्थडे पर लगाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड ये पापा मम्मी की फ़ोटो थी, ये तीनों बहनें की थी, और ये जो साड़ी है ये थी मेरे जिठानी की साड़ी, पर मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगी। तो फ़ोटो शूट मेरी भाभी करती है, मतलब मेरी जेठानी, मैं उनको भाभी बोलती हूँ ना कि दीदी। एंड ये सारी पिक्चर क्लिक हुई और हमने ना बहुत इंजॉय किया फ्रेंड, और सच में बहुत अच्छा लगा। और ऐसे तैयार होने के बाद ना फीलिंग आती है, जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी फीलिंग आती है, पर इसके बाद पता है क्या होता है, इसके बाद ऐसा होता है ना कि ये सारा चीज़ होने के बाद जब ये सब उतर जाता है ना, उतरने का मतलब ये है कि जब ये सारा फ़ोटो खींचने के बाद मैं उतारती हूँ, चेंज करती हूँ और नाइटी पहन लेती हूँ, फिर वैसे हो जाती हूँ। तो गाइस मैंने ना काफ़ी सारी फ़ोटो इसलिए डाल दी थी ना कि कभी भी देखना हो तो आप देख सकते हैं, अगर आपका चैनल अगर ऐसे चलता रहा तो। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करना एंड वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, और बताना कि कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं आप लोग। तो मैंने ना इतना सारा वीडियो इसीलिए डाला, इतना सारी फ़ोटो मैंने इसीलिए डाली, और ये जो जितनी भी फ़ोटो थी ये मैं ना 3 दिन से फ़ोटो मैं तैयार होकर खिंचवाती हूँ। ये तो मैं पहन के स्कूल जा रही थी, जो बैगनी कलर का है, तो मैंने कहा ये काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहन रही हूँ, भाभी आप इसमें ना वो कर दीजिएगा, फ़ोटो खींच दीजिएगा। तो भाभी खींची थी क्योंकि फ़ोटोग्राफर भाभी ही बनती हैं। एंड नेक्स्ट जो है ये मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई साड़ी, मैं क्या ही बोलूँ, इसकी तारीफ तो मैं जितना करूँ उतना कम है। एंड सेकंड ये देख सकते हैं कितनी सुंदर पिक है फ्रेंड, और मतलब होता नहीं है कि मतलब अपनी फ़ोटो देखने के बाद ये होता है कि हाँ इतना तैयार होने के बाद हम कैसे लग सकते हैं, कितना ज़्यादा मतलब सुंदर लग सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने ना ये जो सारा कुछ किया था ना, इसका रीज़न यही था कि मैं फ़ोटो शूट के लिए की थी, और इसमें बाद में ना पल्लू डालने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने एडिट किया था अपने हस्बैंड का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, एक बहुत पुरानी पिक है मेरे हस्बैंड की, और मैंने वो भी डाल दिया था। और ये जब काम कर रहे थे यहाँ पे प्रतापगढ़ में ना, तब की पिक है ये, काफ़ी पुरानी है, और ये तो मत पूछिए, ये तो मैं ही हूँ। एंड इसके बाद देखिए, ये आप नहीं कहेंगे कि ये बेटी नहीं बेटा है, बट ये ब्लड बॉय है एंड गर्ल नहीं है, पर फ्रॉक ना गर्ल का पहना है, और बहुत क्यूटी है ये, पूरा कन्नू मैं बोलती हूँ उसको। एंड जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है मेरे मायके का, मैं मेरी बहन और मेरी भतीजी रह लगती है, हम लोग वहाँ मायके में खींचे थे फ़ोटो। एंड इसके बाद आता है मेरी फ़ोटो, मेरे हस्बैंड जी की फ़ोटो, जो कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड।
मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं और मेरा भाई सेकंड, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट में मेरी पूरी पिक है दुड़दुड़िया के दिन, इस कलर की मैंने साड़ी पहनी थी। से नेक्स्ट फिर आता है ये मेरी बहन की बिटिया, मतलब मेरी बिटिया है, अपेक्षा नाम है, और ये मेरी बिटिया है, और मतलब तीनों बहनों को ये एक एक बेटी एक एक बेटा है। तो मैंने सोचा फोटो डाल दूँ ना कैसे लग रही है पूरा। तो फ्रेंड ये जब छोटी थी ना तब की फ़ोटो मैं दिखाती हूँ, जब छोटी थी तो ऐसे थी पूरा बुग्गू बुग्गू थी, बहुत मोटी थी। सेकेंड आता है मम्मी का पिक कन्नू के साथ की, तो कन्नू है मम्मी की जो मम्मी है नानी, ये है नानी, नानी की फ़ोटो मैंने रखा है। काफ़ी दिनों बाद मैं उसको देखना चाहूँगी तो मैं देख सकती हूँ। यहाँ पे है मेरी सिस्टर जो कि बहुत ही क्यूट फोटो है, ये भी है मेरी सिस्टर, बड़े पापा की मतलब लड़की, बड़ी दीदी है। एंड इसके बाद सेकंड पार्ट फिर आता, जो नेक्स्ट आएगा वो भी मेरी जान है नन्नी सी कली, नन्नी सी गुड़िया, मन तो कर रहा है गोदी लेके अभी खिला दूँ। सेकंड जो आता है नेक्स्ट कन्नू है, और मैं मेरी सिस्टर, एंड इसके बाद आएंगी मम्मी और छोटी बाबू और मेरी बहन है। एंड इसके बाद देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हैं मेरी छोटी सिस्टर, मेरा छोटा भाई और मैं हूँ यहाँ पे। यहाँ दुर्गा पूजा की फ़ोटो है, इसमें ना शायद मेरी बड़ी दीदी हैं, छोटी दीदी मैं, मेरे बच्चे, यहाँ पे ना दोनों छोटे छोटे भाई बहन और मैं। तो ये इतनी सारी पिक जो थी मैंने ना इसलिए इकट्ठा कर दी थी क्योंकि कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमको तुरंत मिलेगी। और यहाँ पे है मतलब बड़ा भाई है मेरा, मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर हैं, और आज मैं दिखाती हूँ ना अपने मम्मी को आपको। तो ये है मेरी मम्मी, मम्मी की बहुत सिंपल है नॉर्मल फ़ोटो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मम्मी मम्मी है, और ये है मेरी बिटिया रानी छोटी, देखिए मोजड़ी पहनी है, इनके पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये पार्टी की फ़ोटो थी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये मेरी बहन की लड़की, और ये मेरी मम्मी, और ये मैं, और ये मेरा कन्नू। मतलब होता नहीं है कि बहन के बच्चे और अपने बच्चे सब ऐसे ही, इसमें कुछ अलग नहीं होते। ये मेरी भांजी है और मैं हूँ, और यहाँ पे मेरे मतलब जेठानी जी और मेरे जेठ जी हैं, भाई साहब, और इसके बाद मैं हूँ और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो आती है मेरी और मेरे हस्बैंड जी की। फिर आती है नेक्स्ट फ़ोटो मेरे पापा की और मेरे मम्मी की, जो कि मैं बहुत दिन से उसको संभाल के रखी हूँ। यहाँ पे ना जब कन्नू छोटा था ना तब की पिक है ये कन्नू की, और ये काफ़ी मतलब जब तुरंत पैदा हुआ था ना तब की फ़ोटो है। एंड उसके बाद ये देखिए कितनी क्यूट क्यूट लग रहा है पूरा, कितना छोटा था एकदम, आँख में ना थोड़ा स्वेलिंग आ गई थी। और इसके बाद ना मैं दिखा रही हूँ आपको एक फ़ोटो और है अभी, वो भी मतलब बहुत 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 ही छोटा था ना तब की फ़ोटो है, देख सकते हैं आप लोग, खुद पहचान जाएंगे। तो बच्चे पैदा होते हैं उसके एक दिन बाद की बात है फ़ोटो। और ये है मेरा भाई और ये मैं हूँ, जैसे लग रहे हैं लोग एकदम पूरे काले बादल। सेकेंड आ जाता है यहाँ पे मेरा भाई और मैं और मेरे हस्बैंड जी। तो देख सकते हैं वीडियो कैसी लगी बताना फ्रेंड, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। मेरे हस्बैंड जी, मैं और मेरे बड़ा भाई है, मेरी बिटिया है छोटी सी गुल्लू मुल्लू, और सेकंड है ये भाई जब छोटा था। उसके बाद ये देखिए अप्पू की फ़ोटो है और कन्नू की फ़ोटो है। कैसी लगी वीडियो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। सो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल पर। प्लीज़ फ्रेंड्स आप न्यू हो तो ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ।